गणपति बाप्पा मोरिया, हर 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 महादेव, जय भवानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। सो माय फर्स्ट लॉन्ग सोलो ट्रिप हैज बिगन एंड आई एम ट्रैवलिंग टू विजय दुर्ग। सो बट मिडवे आवर कपल ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर फिक्स्ड। आई एम मीटिंग my friend Tarun in Pune for breakfast, then I'll be meeting few more friends in Kolhapur for lunch. Hopefully I make it for lunch, I don't make them wait long. The plan was to move at around 4:30, but it's already 5:20, so I'm already an hour late. Already an hour late. That reminds me, I have to send my location to my family and Tarun. So I'll wait around the safe corner. We are crossing the Manpur flyover, the newly built flyover. This has eased out a hell lot of a traffic which we used to face before the flyover was built, and through a densely populated area. Earlier we used to travel through the densely populated area. Now thank God this thing has come up. Started at 5:20. Aur ye Vashi toll naka crossing at 5:33 in the morning. 5:33. क्या गया है कि बाईपास लिया है, पनवेल वाला बाईपास, तो ये ओपन रोड मिल गया है। यहाँ से राइट मारो तो जेएनपीटी चले जाएगा, लेफ्ट मारो तो हमारे रोड पे पुणे वाले। हम गोवा के डायरेक्शन में जा जरूर रहे, बट हम वाया पुणे कोल्हापुर गगनबावड़ा जाएंगे। हम लोग पहुंच गए शेडुंग।
देखो ये जो है नॉर्मल लाइट्स है हमारी, शायद पीछे से ये नॉर्मल लाइट्स है जो कंपनी फिटेड आई है, और ये है जो मैंने फॉग लैंप्स लगाई है। तो पूरी दिवाली ही दिवाली हो रही है। तो मैंने वाइट नहीं लगाई है, येलो लगाई है। वेल उसको वाइट में वाइट कर सकते हैं हम लोग, बट वाइट तकलीफ देती है सामने वाले राइडर्स को या ड्राइवर्स को। तो इसको हम फिलहाल सो अंधेरे में हम लोग खंडाला घाट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली सक्सेसफुली हम क्रॉस करेंगे। काफ़ी दूसरे बाइक भी दिख रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ डुएबल, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, रिक्शा भी है, आई थिंक इट इज़ वेरी मच डुएबल। चलो मिलते हैं सीधा लोनावला में। तो यस, थोड़ी सी सुबह होने लगी है। खंडाला का घाट जो है हमने रात अंधेरे में पार किया, ये एक चैलेंज था मेरे लिए। अंधेरे में अकेले घाट पार करना था। सीधा पूना रोड पे, बहुत क्रॉस विंड्स है, बहुत क्रॉस विंड्स है, पूरा हिल रहा हूं मैं। ये है वर्सोली टोल, वर्सोली टोल पे आ गए हम लोग। पुणे की तरफ निकल रहे हम लोग। वी आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर फॉर अ ब्रेक। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गए थे क्या रात को? हम लोग पुणे के रोड पे लग चुके हैं और ये घाट रोड आए हैं। मस्त कॉर्नरिंग करने में मजा आ रहा है। मैं इस मौसम का भी मजा ले रहा हूँ, अच्छी खासी ठंड है। आई मीन मुंबई वालों के लिए कुछ डिग्री चेंज इन टेम्परेचर भी अच्छी खासी ठंड हो जाती है। कोहरा है बट रोड के लेवल पे नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पर है। चलो मैं ये राइड एंजॉय करता हूँ, आपको मिलता हूँ आगे। कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको दिखाऊंगा। सोमाटने का टोल लग चुका है अभी। हम ट्राई करेंगे सनराइज देखने का। सनराइज जो है इस पहाड़ के पीछे से हो रहा है। यू कैन सी द पिंक आउटलाइन इन द क्लाउड्स। सन अभी भी छुप छुप के बाहर आ रहा है। टेक ए टाइम, आराम से आओ। मौसम सुहाना है, मजा आ रही है। अगर सनराइज कुछ अच्छा दिखता है आपको दिखाने का कोशिश करेंगे।
थोड़े से सन की झलक दिखी है, सनराइज की झलक दिखी है, वो रहा सामने पिंक। पता नहीं गोप्रो में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट अर्ली मॉर्निंग राइड्स पे निकलने का ये फायदा, सनराइज देखने मिलता है। और मैक्सिमम मैक्सिमम जो है लेंथ हम लोग की ख़त्म हो जाती है रोड की। देखो अब थोड़ा और क्लियर दिख रहा है, गाइस सनराइज ऑन द हाईवे। भारत माता की जय। इतना बड़ा फ्लैग देखो इंडिया का, पिंपरी चिंचवाड़ एरिया में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। जय हिंद। तो हम पहुंचे हैं लातूर स्पेशल इडली सेंटर। देखते हैं तरुण मिलेगा अभी यहाँ पे। तरुण आ गया। ये था मेरा मुंबई से लेके पुणे तक का सफ़र, और पुणे में मैं मिला मेरे दोस्त तरुण से। एक गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट और गर्मा गर्म बातें, थोड़े आधा एक घंटे के लिए मैं पुणे में रुका और फिर निकल पड़ा कोल्हापुर की तरफ। मेरी कोल्हापुर तक की जर्नी आपको देखने मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर आगे आपको देखने मिलेगा मेरा कोल्हापुर से विजयदुर्ग का सफ़र जो कि गगन बावड़ा से होके गुजरे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। देखते रहिए ट्रैवल कर प्रसाद।